नमस्कार, मैं हूं भावना। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। कल की खबरों को दोबारा देखने के लिए नजर डाल लेते हैं यस्टरडे राउंडअप पर। यस्टरडे राउंडअप निवेदन करते हैं रेडीमेड कपड़ों का मॉल श्री श्याम फैशन, एनएसबी रोड, रानीगंज। रानीगंज बॉयज हाई स्कूल में शनिवार को स्कूलों की जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कराटे प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्राथमिक विद्यालय संसद के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार दे ने किया। कोलकाता की ओर जा रहे विभिन्न मालवाहक वाहनों को शनिवार को दुर्गापुर, पानागढ़ एवं अंडाल समेत विभिन्न अंचलों में रोक दिया गया। इस कारण मुख्य राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति, मूल्य वृद्धि एवं भ्रष्टाचार के विरोध में 10 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद के समर्थन में राहा लेन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहिद परवेज के नेतृत्व में रैली निकाली गई। जिला अस्पताल के सभागार में शनिवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के श्रम कानून व पीएजी मंत्री सह रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन मलय घटक ने की। आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित तृणमूल भवन में नॉर्थ तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक एक कमेटी की ओर से बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नॉर्थ तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक एक के अध्यक्ष गुरुदास चटर्जी ने की। बांकुड़ा के सालतोड़ा पावड़ा स्थित विवेकानंद सेवा समिति में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां रानीगंज के बाबूलाल नगरमन सतनालिका फाउंडेशन की तरफ से 4 कंप्यूटर प्रदान किए गए। ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ बिजली कनेक्शन काटे जाने का आरोप लगाकर जमुड़िया के कुनुस्तोरिया ग्राम इलाके के बासिंदों ने ईसीएल का परिवहन बंद करवाकर प्रदर्शन किया। रानीगंज, आसनसोल, वर्धमान समेत पूरे शिल्पांचल में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस दिन रानीगंज वीडियो ऑफिस से एक प्रचार वाहन भी निकाला गया। वहीं ब्लॉक ऑफिस में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। दुर्गापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बी जोन फाड़ी स्थित काशीराम इलाके के निवासी एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने आरोपी वैन चालक की सामूहिक पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। पूर्व वर्धमान जिला परिषद भवन अब सौर्य ऊर्जा से जगमगाएगा। शनिवार को जिला परिषद के निवर्तमान सभाधिपति देवू टूटू व डीएम अनुराग श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से सौर्य ऊर्जा परिसेवा का उद्घाटन किया। दिन दहाड़े 2 युवक पेट्रोल पंप के कैश बॉक्स से 17,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया। यह घटना शुक्रवार को पूर्व वर्धमान जिले के कालना में घटी।